धर्मशाला के तपोवन में मंगलवार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ, जिसमें हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के रेणुका जी से कांग्रेस विधायक विनय कुमार हिमाचल विधानसभा के उपाध्यक्ष चुने गए। 3 बार के विधायक विनय कुमार सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुने गए। खास बात यह है कि 14वीं विधानसभा को 1 साल बाद उपाध्यक्ष मिला है। वहीं विनय कुमार के उपाध्यक्ष बनने के बाद समर्थकों द्वारा तपोवन में फूल मालाओं के साथ विनय कुमार को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया गया। विधानसभा का उपाध्यक्ष बनने पर मुख्यमंत्री ने विनय कुमार को बधाई देते हुए कहा कि सिरमौर जिला को संवैधानिक पद मिला है और काफी सोच विचार कर विनय कुमार को इस पद के लिए चुना गया है और उनकी हसमुख शैली है और वे इस पद के लिए उपयुक्त हैं। जो संवैधानिक पद पर आज विनय कुमार जी का चुनाव हुआ और रेणुका विधानसभा क्षेत्र को 75 साल बाद, उससे पहले यशवंत सिंह परमार जी थे, उसके बाद पहली बार कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मिली है, यानी कि डिप्टी स्पीकर की पोस्ट पर उनको नवाजा गया है। विनय जी का परिवार कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से पिछले कई सालों से जुड़ा हुआ है। विनय जी 3री बार विधायक बने। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होती है कि इन्हें जो नियुक्ति है थोड़ी उसमें देरी हुई है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए और विनय जी को हमने अभी डिप्टी स्पीकर के पद पर नवाजा है और जो इनकी मृत शैली है, जो इनकी काम करने की क्षमता है, उसका फायदा रेणुका के लोगों को होगा। आप सबको बधाई, लेकिन इस सबके विपरीत आज भाजपा ने सुबह ही प्रदर्शन किया है, आप किस तरह से देखते हैं? भाजपा पूर्व मुख्यमंत्री उठ खड़े हो रहे थे और जो बात हम पूछ रहे थे उसका जवाब नहीं दे रहे थे। हमने कहा भी वाटर कमीशन में आप लोग जाइए और दिल्ली में आप केंद्र सरकार के जो उपक्रम हैं, जो NTPC है, NHPC है, SJVNL है, उनको बोलिए कि जो वाटर कमीशन की आपने रिट की है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में, उसको विड्रॉ करिए और हमारे जो पैसे हिमाचल के लोगों के बनते हैं वाटर कमीशन के रूम में, उसको दीजिए। जबकि उत्तराखंड में उन्होंने कोई रिट नहीं की, वहाँ भी NTPC है, टिहरी डैम है, उसमें खड़े होकर बोल रहे हैं ये कोई बात है? तो उनको मैंने उनको कहा कि आप इसमें जाइए, तो उनको थोड़ा सा हर चीज़ का दर्द होता है ना, जब थोड़ा बहुत दुख होता है तो वो दुखी मन से क्या कहना है, वो नहीं अपनी बात को टालने की कोशिश करते हैं। ना आपदा में खड़े हुए, ना वाटर कमीशन में जो हम हिमाचल के लोगों के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे उसमें खड़े हो रहे हैं, सिर्फ विधानसभा में किस तरह उनका ध्यान अखबार में उन सुर्खियां बने, उस दृष्टिकोण से वो आज विधानसभा के सत्र में आते हैं। आज तो पहला दिन है, आज तो थोड़ी शांति से बैठे रहे, लेकिन जैसे उन पर दबाव बढ़ेगा तो वॉकआउट की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। वहीं विनय कुमार ने उन्हें इस जिम्मेदारी देने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आभार जताया है। सबसे पहले अपने सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ जिनकी बदौलत मैं आज 3री बार चुनके इस विधानसभा में आया हूँ, अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों की वजह से। और इससे पूर्व मेरे स्वर्गीय पिता डॉक्टर प्रेम सिंह जी भी इस मान्य सदन के सदस्य 6 बार रहे हैं और पहली बार डॉक्टर YS परमार जी के बाद, क्योंकि वो मेरे विधानसभा क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते थे और मुझे बेहद खुशी है कि जिस विधानसभा क्षेत्र से प्रथम मुख्यमंत्री और हिमाचल निर्माता रहे हैं, उसी विधानसभा क्षेत्र को मैं भी रिप्रेजेंट करता हूं। और उनके बाद ये पहला मौका है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हमें यहां नवाजा गया, तो मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, उप मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ और नेता प्रतिपक्ष जयराम जी का भी धन्यवाद करता हूँ। और माननीय सदन के जितने भी सदस्य हैं जिन्होंने निर्विरोध मेरा चुनाव किया है, उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।